गुड मॉर्निंग ऑल। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेम ऑफ द टॉपिक इज 3D व्यू पाइप एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाई वी स्टडी 3D व्यूइंग। व्हाट इज दिस 3D व्यूइंग? पहला तो क्वेश्चन आपको ये आंसर करना होगा। दूसरी बात की व्हाई डू वी कॉल इट अ पाइपलाइन, ओके? And the most important thing is the next topic that we're going to study is projection. That is the most important part of unit 3. So to understand that projection, the foundation is here in this 3D viewing process. So 3D viewing kya hota hai? Main aapko bataun ki 3D viewing is basically the two-dimensional view of a 3D space. Yani ki jab bhi aap kisi 3D object ko टू डायमेंशनल स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस में एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होते हैं। एक पूरे ही एक प्रोसेस होती है, सिक्वेंशियल प्रोसेस होती है एंड द 3D ऑब्जेक्ट हैज टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू प्रोजेक्ट दैट 3D पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट टू अ 2D स्केल बिकॉज द वर्ड वी आर सीइंग दैट द वर्ड वी आर लिविंग इज अ 3D स्पेस। बट हम जो भी कंप्यूटर पे किसी भी टाइप के स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं दैट स्क्रीन इज स्टिल अ 2D, ओके? सो अगर आप लोगों ने 2D व्यूइंग का कंसेप्ट पढ़ा है, जब हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह पढ़े थे तो वहां पे कंसेप्ट था विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर आपने 2D व्यूइंग पाइपलाइन भी पढ़ी होगी। एंड द 3D व्यूइंग इज सिमिलर टू 2D व्यूइंग, इज जस्ट दैट सिंस वी आर डीलिंग विद 3D हियर, सो वी आर डीलिंग विद एन एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट। सो दिस एडेड कोऑर्डिनेट requires a new transformation and that transformation is called projection that we will be going to discuss in our next video, okay? But this is also very important and aapse exam mein jab pucha jata hai ki aap 3D viewing pipeline ko samjhaiye, then you have to draw this figure that you are seeing on the screen, this block diagram, okay? And you have to explain each and every point, okay? That's about it. But understanding this topic is a little bit tricky, okay? So I will try to explain you. तो मैंने आपको ये बता दिया कि viewing क्या है, 3D viewing क्या है, कि किसी भी 3D object को आप जब एक 2D screen पर represent करते हैं तो उस पूरी process को, उस process में जितने भी steps involved होते हैं, उस पूरी process को हम कहते हैं 3D viewing. Why we call it pipeline? We are calling it pipeline because there are so many transformation involved to project a 3D space to a 2D screen. And output of a previous step will become input for the next step. Okay, so the whole process works in a pipeline fashion. That's why we called it a 3D viewing pipeline. Okay, now we start with the first thing, that is our. You can see here these are some abbreviation that we are using: MC, WC, VC. EC, NC, and DC, and these are the full forms. So MC represents modeling coordinates, WC represent word coordinates, VC represent viewing coordinates, EC represent projection coordinates, normalized coordinates, and device coordinates. One by one, we will discuss what are these coordinates we are talking about. And आप देख रहे हैं कि these are some transformation process जिसमें एक type का coordinates आप input कर रहे हैं और different type का coordinates आपका output आ रहा है। तो आपको ये सब समझना होगा। हाँ, अब आप किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिए, किसी भी वीडियो को देख लीजिए, यू विल गेट अ लाइन हियर दैट दिस 3D व्यूइंग प्रोसेस इज एनालॉगस टू टेकिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ कैमरा। तो हम इसे समझते हैं कि कैसे एक कैमरा से जब आप एक पिक्चर लेते हैं तो इट इज द सेम एग्जैक्ट प्रोसेस जो कि हम 3D व्यूइंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो हमारी इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप समझिए मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके बाद आप हम इनपुट करते हैं मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स को इन मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी गेट एज एन आउटपुट द वर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इसको आप समझिए मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप इस फिगर को देखिए, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दीज आर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। सो देयर इज अ चेयर, दिस इज अलमीरा, दिस इज अ टेबल। दीज 3 ऑब्जेक्ट्स आर created in their own coordinate system. So these models are created in their own coordinate system. In CG, आप जो है कुछ बहुत सारे 3D tools होते हैं जिनका use कर सकते हैं, जैसे Blender is one kind of tool जिससे कि आप कोई 3D object create कर सकते हैं।
तो इन 3D ऑब्जेक्ट्स को हम जब इंडिविजुअली क्रिएट कर रहे होते हैं तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन देयर ओन कार्ड इन देयर ओन स्पेस. ओके, बट यूजिंग दीज ऑब्जेक्ट्स व्हेन यू वांट टू असेंबल देम, ओके, एंड अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड यू वांट टू क्रिएट अ सीन, ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. सो आप देख रहे हैं ये जो हमारे मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमने डिजाइन करे हैं, ये अप्लाई मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वी हैव अप्लाइड सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स रोटेशन, स्केलिंग. हमने किसी चीज को रोटेट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, किसी पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर दिया, बिकॉज हम एक सीन जनरेट करना चाहते हैं, पूरा सिनेरियो जनरेट करना चाहते हैं. तो आई वॉन्ट टू क्रिएट सच टाइप ऑफ सिनेरियो, ओके, एंड फॉर दैट आई हैव टू ब्रिंग दीज थ्री थिंग्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम. आई परफॉर्म सम मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन such as rotation, transformation, scaling, reflection, sharing, and आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक अलग सीन देख रहा है. तो यहाँ पर टेबल की प्लेसमेंट यहाँ है, कुर्सी यहाँ है, टेबल आपकी यहाँ पर है. तो जो इनके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स थे वो अब कम्प्लीटली इस सीन के रिस्पेक्ट में कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे, बिकॉज दिस चेयर इज बिहाइंड दिस टेबल नाउ. ओके, सो दिस चेयर हैज now the new coordinates, this chair will have now new coordinates with respect to the assembled scene. तो इस पूरे सीन को जो हम राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं इसको हम कहते हैं यूनिवर्स या फिर वर्ल्ड. और यहाँ पर इन मॉडल्स की जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट सीन इसको हम कहते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो इस डायग्राम में जैसे आपने देखा मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स के बाद हमने मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो हमें वर्ड कोऑर्डिनेट्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग वर्ड कोऑर्डिनेट्स एज द इनपुट एंड इट इज प्रोवाइडिंग व्यू कोऑर्डिनेट्स एज द आउटपुट. तो अब मैंने जैसे आपको भी बोला था कि दिस प्रोसेस इज एनालॉगस टू टेकिंग अ पिक्चर, तो मैं उससे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. Let's suppose आप you have gone to a trip with your family or friends, okay? और आपको कोई एक अच्छा सा व्यू दिखता है और आप चाहते हो कि आप एक अच्छे से व्यू के सामने अपनी इमेज एक ग्रुप पिक्चर लेना चाहते हैं. तो आप क्या करते हैं कि जिस भी व्यू के सामने आप इमेज लेना चाहते हैं सब लोग उस व्यू के अराउंड गैदर होते हैं इस तरीके से कि आप जैसी पिक्चर लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारे लोगों को उसमें अरेंज कर देते हैं या फिर प्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो लेट सपोज आपके ग्रुप में कुछ लोग होंगे वो डिफरेंट हाइट्स जो लोग होंगे वो डिफरेंट हाइट्स के और साइज और शेप्स के हो सकते हैं. या फिर आप कुछ ऐसा व्यू जनरेट करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पीछे कोई बिल्डिंग है वो क्लियरली दिखनी चाहिए. हो सकता है उस सीन में कोई इंसान हो जिसको बैठना पड़े, उससे ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू कैप्चर अ पिक्चर. तो उस इमेज के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको हम कह रहे हैं मॉडल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स. इनकी अपनी खुद के इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं, बट जब आप इन लोगों को एक ग्रुप पिक्चर के लिए असेंबल कर दे रहे हैं तो उस पिक्चर और उस सिनेरियो के साथ, उस पूरे व्यू के साथ उन लोगों के जो नए कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम कहते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट. ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर एक स्पेरिकल शेप का कुछ है और एक क्यूबॉइड है. ठीक है, तो ये हमने किसी भी ब्लेंडर या किसी भी ऐसे टूल से बनाया होगा 3D के अंदर. और इसको आप देख रहे हो जैसे कि ये वाला जो स्पेरिकल शेप है, सर्कुलर शेप है, वो यहाँ पर प्लेस हो रहा है सीन के अराउंड, और ये वाला जो क्यूबॉइड है वो यहाँ पे प्लेस हो रहा है. तो यहाँ पर इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे. By with respect to this scene, इनके जो coordinates होंगे वो completely different हो जाएंगे. And since they are the part of this universe, this particular scene, we call them as word coordinates. Okay, clear? So far we have studied about the word coordinates. Now comes the viewing transformation. अब हम अपने वापस से image capturing वाले example पे चलते हैं. जब word coordinates हमें मिल जाते हैं तो काम आता है viewing transformation. Viewing transformation basically होता है from the point of view of a photographer. ठीक है, जो भी आपकी image को capture कर रहा होगा वो क्या करता है, अपने कैमरे को सेट करता है जैसा उसे व्यू लेना है उसके अकॉर्डिंग.
For example, what is the position, direction, orientation of the camera, जिसके अकॉर्डिंग वो इमेज लेना चाहता है, इमेज कैप्चर करना चाहता है, वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके एज एन आउटपुट हमें मिलता है व्यू कोऑर्डिनेट्स। व्यू कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि जैसे इमेज के आप देख रहे हो, आप इमेज किसी भी बड़ी से बड़ी चीज की ले सकते, कोई बिल्डिंग होगी 12 फीट की, 13 फीट की, उस बिल्डिंग को भी आप अपने 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के कैमरा लेंस पे कैप्चर कर पा रहे हैं। यानी कि जिस कैमरा या डिवाइस के साथ आप इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं उसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जिस सिनेरियो को आप करना चाहते हैं कैप्चर उसके अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो वर्ड कोऑर्डिनेट को व्यू कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दैट व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कैमरा। ओके, नाउ we have reached to the viewing coordinate, अभी भी आपकी इमेज क्लिक नहीं हुई, ठीक है। नाउ आउटपुट ऑफ व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज व्यू कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस व्यू कोऑर्डिनेट विल बिकम इनपुट फॉर द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी इमेज को, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D पर दिखाना या प्रोजेक्ट करना। तो प्रोजेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव। वी विल डिस्कस इट लेटर, अभी मैं करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये हम नहीं करेंगे। प्रोजेक्शन का बस मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्शन का मतलब कैमरे के टर्म्स में अगर मैं बोलूंगी तो इसका मतलब होगा टू फोकस ऑन समथिंग। ओके, जैसे कि अगर मैं पूरे, अभी आप इस पूरी स्क्रीन को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट को पढ़िए, ठीक है, तो आप प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट को पढ़ने के लिए योर आईज हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, सो आप यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स लाइट जो होगी इस प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स पे आएगी, और आप रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी आईज को दिखती है तब आप इस प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स को देख पाएंगे। तो आप इसी को प्रोजेक्शन समझ लीजिए कि हम जैसे कि किसी भी, जैसे हम या ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल जो भी किसी चीज को देखते हैं दुनिया में, तो हम उसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं, तो हमें अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो वो हमारी आईज को कैसे दिखाई पड़ती है, वो तब दिखाई पड़ती है जब हम उस पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर पाते हैं, उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज पे पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व ओनली इन 3D, बिकॉज 3D ऑब्जेक्ट को ही 2D पे हमें दिखाना है, और वो ऐसे दिखाना है जैसे कि वो रियलिस्टिक लगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज इन्वॉल्व इन 2D ट्रांसफॉर्मेशन, वहां हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, बट यहाँ पर हमें जरूरत है, बिकॉज कोई भी रियल वर्ल्ड चीज को एक्चुअल रियल दिखाने के लिए, टू अचीव दैट रियलिज्म, वी नीड प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अभी भी अगर आपको प्रोजेक्शन क्लियर नहीं है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, हमारा प्रोजेक्शन वी विल डिस्कस इन लेंथ, और आप जब पूरे इसके टाइप्स पढ़ोगे, इसके डायग्राम्स देखोगे, बिकॉज विदाउट डायग्राम इट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। आफ्टर द प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट द आउटपुट एज प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब आप ये जो पांचवा स्टेप देख रहे हैं, दैट इज नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्लिपिंग। दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, ऑप्शनल एज इन किसी किसी बुक्स में आपको ये मिलेगा, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट आपके पास व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो अभी के लिए मैं आपको सीधा व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझा देती हूँ, आप अभी के लिए इस चीज को स्किप कर दीजिए कि सपोज ये यहाँ पर नहीं, तो प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो सीधा अब आपके देंगे व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक वर्ड को क्रिएट किया जाता है, लोगों को असेंबल किया जाता है, तब आपको वर्ड कोऑर्डिनेट मिलते हैं, फिर कैमरे को सेट किया जाता है तो व्यू कोऑर्डिनेट मिलते हैं, उसके बाद फोकस किया जाता है तो प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। अभी तक पिक्चर ली नहीं गई, इमेज तब ली जाती है जब आप क्लिक करते हैं। तो जब आप इमेज क्लिक कर लेते हैं तो उस प्रोसेस में लगता है व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि क्लिक होने के बाद वो इमेज डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो जब कैप्चर हो गई है तब उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर हर एक इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स की या ऑब्जेक्ट के या मॉडल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम डिवाइस कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो एडेड स्टेप है ये किसी बुक्स में होते हैं किसी में नहीं होते, मैं आपको समझा देती हूँ। नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लिपिंग, कई कई पर ये भी अलग होता है और ये भी अलग होता है, ये नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन अलग है और क्लिपिंग अलग है।
यहाँ पर एक ऐसे कर दिया है, तो आप चाहे तो दो ब्लॉक्स में इसको भी डिफाइन कर सकते हैं. नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि आफ्टर पोजिशन कोऑर्डिनेट हम पहले नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि जो भी आप इमेज कैप्चर करना चाहते हैं, जो भी आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स, वो डिवाइस इंडिपेंडेंट हो. यानी कि अगर हम उस पर्टिकुलर इमेज को मोबाइल पे देखें या फिर हम टैबलेट पे देखें, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज या रेजोल्यूशन पे देखें, तो इमेज एग्जैक्टली सेम अपीयर हो. फॉर दैट व्हाट वी डू, दैट वी नॉर्मलाइज ऑल इट्स कोऑर्डिनेट. ओके, सो वी परफॉर्म सम नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी जब हम व्यू पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी आप इसका सिर्फ पर्पज समझ लीजिए. इसका पर्पज ये होता है कि जो भी इमेज आपने कैप्चर करी है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि जिस किसी भी साइज के स्क्रीन पे इस डिवाइस को, इस पर्टिकुलर इमेज को देखा जाने वाला है उस पे ये एग्जैक्टली सेम अपीयर हो, इसकी क्वालिटी पे कोई भी डिफरेंस ना आए, या इसके अपीयरेंस पे, साइज, शेप, ओरिएंटेशन पे कोई फर्क ना आए. दूसरी चीज है क्लिपिंग. तो जैसे आपने 2D में पढ़ा था कि क्लिपिंग का सिंपली मतलब होता है, क्लिपिंग का मतलब होता है हमारा क्रॉपिंग. दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडेड अ स्पेसिफिक साइज ऑफ विंडो एंड वट एवर इज आउटसाइड दैट विंडो दैट वुड बी क्लिप्ड एंड वट एवर इनसाइड द विंडो विल बी शोन. ओके, सो इन 3D ऑल्सो क्लिपिंग इज परफॉर्म्ड, एंड इन 3D द क्लिपिंग इज डन अगेंस्ट व्यू वॉल्यूम. ओके, व्यू वॉल्यूम. ओके, यहाँ पर हम 2D विंडो का यूज नहीं करते बल्कि 3D व्यू वॉल्यूम का यूज करते हैं. इसका सिंपली से मतलब होता है कि जो कैमरामैन है वो सारी चीजों को तो आपके उसकी आंखों के सामने जो है उसको कैप्चर नहीं कर सकता ना, एक सर्टेन एरिया को ही वो कैप्चर कर सकता है. तो जिस जितने एरिया को वो कैप्चर करता है उसको हम कहते हैं व्यू वॉल्यूम. उसके बाहर जो सब कुछ है वो क्लिप हो जाने वाला. ठीक है, तो जब अगर आप नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं तो यू विल गेट नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एंड आफ्टर दैट आपकी जो इमेज क्लिक होगी और आपको डिवाइस कोऑर्डिनेट मिलेंगे. ओके, so guys this was the topic. okay, I hope you have the understanding now. and aapke answer karne ke liye aapko ek figure banana hoga jo aapne bhi pehle slide pe dekha, and then everything is written. modeling coordinate system, when each object is created in a modeling program every object is created in its model coordinate, yani ki sare objects individual bante hain. second word coordinate system, this is the base reference system for the overall model, यानी कि एक पूरा scenario जो हम बना रहे हैं उसके context में सारे objects को हम जब place करेंगे तो उसके context में उनके coordinates बिल्कुल change हो जाते हैं. viewing coordinate system, also known as the camera coordinate system, ये totally depend करता है observer के view point पे. ठीक है, वो कहाँ से image को लेना चाह रहा है. एंड लास्ट इज व्यूपोर्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिवाइस कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पर व्यूपोर्ट और डिवाइस दो चीजें हम यूज कर रहे हैं. बेसिकली डिवाइस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूरे ही डिवाइस की स्क्रीन को ले रहे हैं. व्यूपोर्ट का मतलब होता है एक सर्टेन सबसेक्शन, डिवाइस का सर्टेन सबसेक्शन, उसको हम व्यूपोर्ट कहते हैं, यानी कि जहां पर हमारा इमेज दिख रहा है. तो होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू. थैंक यू. इफ देर इज एनी डाउट.